भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस के पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। पार्ट वन में आपने देखा, हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी कन्याकुमारी से, यानी कि भारत के सबसे आखिरी साउथ के छोर से, और अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के बाद इन खूबसूरत नज़ारों से होकर हम गुजर रहे थे। और पार्ट वन मैंने एंड किया था विशाखापट्टनम में, और आप अब देखिएगा पार्ट सेकंड जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं खुर्दा रोड जंक्शन से। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पार्ट में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। गाड़ी अपनी फिलहाल खुर्दा रोड जंक्शन पे पहुंचने वाली, बाकी ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन आती है सीधा पुरी से, इसलिए ये स्टेशन एक जंक्शन स्टेशन बनता है। बाकी देखते हैं सफ़र कैसा जाता है आगे का। बाकी बादल देखो यार, बारिश कभी भी आ सकती है ऐसा अनुमान तो है, देखते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाले विवेक एक्सप्रेस के पार्ट सेकंड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खुर्दा रोड जंक्शन से। अभी पहुंच चुके हैं खुर्दा रोड जंक्शन में, यहां से एक लाइन जा चुकी है पुरी की तरफ सीधा, और यहां से बहुत सारी मेजर ट्रेन पुरी की ओर जाती है। बाकी ट्रेन ने यहां तक 2151 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां तक कवर कर लिया है कन्याकुमारी से। हम चले थे परसों शाम को 5 बजे कन्याकुमारी से, और अभी समय हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। अभी देखते हैं इस पार्ट में आपको दिखाऊंगा मेन अपनी ट्रेन है ना बालासोर भद्रक से ही जाने वाली बहानगा बाजार से, आपको दिखाऊंगा वो एक्सीडेंटल साइट अभी कैसी है, ट्रेनें किस रफ्तार से उस एक्सीडेंटल साइट से दौड़ रही है, वो सब चीज़ें दिखाने वाला, तो वीडियो को स्किप मत करना। और बता दूँ कल का जो पैंट्री का डिनर लिया था ना वो बहुत गंदा था, बहुत सारे पैसेंजर को दिक्कत हुई इसकी वजह से। मैंने तो कुछ किया नहीं कंप्लेंट, बस बता रहा हूँ बहुत गंदा था, इसलिए मैं तो कुछ आगे जाके पैंट्री से डिनर लंच लेने नहीं वाला हूँ। जो भी है RCTC केटरिंग्स वगैरह ले लेंगे, चाय वगैरह तो उतना तो चल ही जाता है। बाकी पता नहीं इनका तेल सूख नहीं हुआ या क्या हुआ, बट पेट थोड़ा सा गड़बड़ था, अभी ठीक हो गया थोड़ा सा दवाई खाने के बाद। चलो भाई डिपार्ट हो चुके हैं खुर्दा रोड जंक्शन से, लगभग 2 घंटे की देरी के साथ हम चल रहे हैं। और पार्ट वन अगर नहीं देखा तो पार्ट वन देखना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर ये वाला पार्ट देखना शुरू कर लिए हो तो ये पूरा देखो, उसके बाद पार्ट वन देखना, क्योंकि ये टोटल जर्नी जो है अपनी 3 पार्ट में आने वाली है। ये आज का पूरा दिन का मैं सेकंड पार्ट में डालूंगा, और कल का पूरा दिन का, और डिब्रूगढ़ हम कल जब रात को पहुंचेंगे वो सेकंड थर्ड पार्ट में डालूंगा। स्टेशन बहुत साफ है, मेन बात देखो कितना साफ सुथरा लग रहा है। बता दूं ये जो आप देख रहे हो डेमू ट्रेन RCF की, यही ट्रेन खुर्दा रोड से गई थी रेस्क्यू करने के लिए, जो पैसेंजर्स अच्छे हाल में थे जिनको जाना था घर, तो उनके लिए रेस्क्यू के लिए यही वाली डेमू ट्रेन गई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आप सभी का स्वागत है। पहुंच चुके हैं अभी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में। भुवनेश्वर को टेंपल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 500 से भी ज़्यादा हिंदू टेंपल्स है। उसके बाद यहाँ पर बताया आपको कोणार्क के पास सन टेंपल भी बहुत ज़्यादा फेमस है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। बाद में ट्रेन में ना मेन बात जनरल में भुवनेश्वर सबसे ज़्यादा भीड़ चढ़ गई है, मतलब भुवनेश्वर तक पूरा जनरल खाली था, इधर से पूरा भर गया है। और पीछे के जो हमारे ऐसे टूटर के दरवाजे हैं ना वो हमने बंद कर दिया है, हमने मतलब TT सर ने वगैरह बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अनऑथोराइज लोग भी बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं। मेरा एक ही अपील रहेगा कि एटलीस्ट सेकंड एसी का जो कोच है वो आप एंट्री के बगल में मिडल में लगा लो, क्योंकि पीछे होता है तो पीछे सारा गंदा हो जाता है सेकंड एसी का कोच, ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो है। और भाई यहाँ पे देखो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, चाय पी रहा हूँ और चाय के साथ बारिश, मज़ा आ रहा है भाई। मैंने एक इडली वड़ा गरम है ना भैया, कितना 60 रुपये। आपको बताया था पेंट्री में ब्रेकफास्ट कुछ खास मिल नहीं रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो को पैसेंजर है उन्होंने बताया कि बहुत गंदा है, क्योंकि ऑमलेट तो पता नहीं कैसा है बट पूरी सब्जी जो सॉरी अपना पराठा वगैरह था वो कुछ खास नहीं था, और मेरा मन ही नहीं है भाई कल का डिनर करके ना कुछ पेंट्री का खाने का ही मन नहीं कर रहा। बाकी स्टेशन में इडली वड़ा वगैरह मिल रहा था तो मैंने इडली ले लिया, आपको दिखाता हूँ, वो अच्छा रहेगा पेट के लिए, एकदम लाइट रहता है, बढ़िया होता है। और यहाँ पर खड़ी है भुवनेश्वर सिकंदराबाद विशाखा एक्सप्रेस, बहुत ही नेम ट्रेन है ये भी निकलने के लिए तैयार है। निकल चुकी है अपनी ट्रेन टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर से। मेरा यहाँ पे नाश्ता चल रहा था इसलिए मैं बाहर नहीं गया, बाकी बारिश वगैरह भी कंटिन्यू जा रही है भुवनेश्वर में।
सही है, मौसम तो अच्छा हुआ यहाँ पर। बाकी तो पूरा तमिलनाडु में वगैरह तो पूरा गर्मी था, यहाँ पे अच्छा मस्त ठंड मौसम है। यहाँ पर अपने भुवनेश्वर राजधानी का रेक खड़ा है देखो, इसमें भी एक दिन ज़रूर फर्स्ट एसी में जर्नी करेंगे, नैलको लिवरी फर्स्ट एसी, बहुत बढ़िया गाड़ी है भुवनेश्वर राजधानी। इसके भी रूट अलग अलग है, एक वाया कोई तो चलती है, एक वाया कोई तो चलती है। मेरे हिसाब से ये थोड़ी देर में शंट की जाएगी प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद निकल जाएगी ये फर्स्ट एसी। अच्छा, इसको इसका इंजन में लग चुका है, देखो लोकोमोटिव कपलिंग भी हो रही है। माता भद्रकाली के टेंपल के लिए फेमस भद्रक शहर में आप सभी का स्वागत है। भद्रक में फिलहाल ट्रेन अपने आकर रुकी है। भद्रक को कवर करने का रीज़न यही है कि इसके आगे वो एक्सीडेंटल साइट है तीन स्टेशन बाद, जिसका नाम है बहानागा बाज़ार, जहाँ पर जो मेन एक्सीडेंट हुआ था कोरमंडल का, वो आपको दिखाऊंगा। बस इसके तीन स्टेशन बाद वो वाला साइट आ जाएगा। चलते हैं अपने कोच में, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको डिपार्चर दिखाता हूँ भद्रक से। बाकी भद्रक का नाम पता क्यों पड़ा? कि यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन और बहुत एक मान्यता लोग देते हैं माता भद्रकाली के टेंपल को। माता भद्रकाली के मंदिर के ऊपर ही इस शहर का, इस रीजन का नाम भद्रक ऐसा पड़ा। निकल चुकी है अपनी ट्रेन अभी भद्रक रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर अभी हम स्किप करने वाले हैं बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन, इसी स्टेशन के आगे हुआ था जो हादसा हुआ था। जो जगह थी बहानागा बाजार स्टेशन, वहीं पर वो एक्सीडेंट हुआ था। और हुआ ऐसा था, आपको बहुत लोगों को तो पता ही कैसा हुआ था यार, लूप लाइन पर मालगाड़ी थी और सामने से मतलब जिस ट्रैक से हमारे थे ना, इसी ट्रैक से आ रही थी हावड़ा यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो कोरमंडल आ रही थी तो उसका स्विच पॉइंट चेंज होकर वो सीधा लूप लाइन में चली गई और मालगाड़ी से भिड़ गई, और सामने से आ रही थी हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा, तो वो आकर जो डीरेल कोचेस थे उनके साथ भिड़ गई। बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है उसी हादसे में, जो जिनके भी जान गए उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो जो अभी तक घायल है बस वो जल्द से जल्द ठीक हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। अभी हम खड़गपुर जंक्शन में पहुंचने वाले हैं, और ये लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये सीधा आती है टाटा नगर जंक्शन से। देखते हैं इस लाइन पर भी मेरे हिसाब से कोई तो गाड़ी जाने वाली, क्योंकि डाउन लाइन पर सिग्नल हो चुका है देखो ऑरेंज। लेट्स सी, बाकी हम पहुँचने वाले अभी खड़गपुर जंक्शन में। Yeah.
निर्धारित समय से ढाई घंटे की देरी के साथ पहुंच चुके हैं भारत के सबसे बड़े आईआईटी हब कहलाए जाने वाले खड़गपुर में। और खड़गपुर का जब नाम आता है तो एक ही मेरे सामने चेहरा आता है, वो है महेंद्र सिंह धोनी का। हमारे जो एमएस धोनी सर है उनका ही पे पहला पोस्टिंग हुआ था रेलवेज में, आपको याद होगा। बाकी खड़गपुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, यहाँ से एक लाइन जा चुकी है टाटा नगर की ओर, एक लाइन आद्रा के लिए, एक लाइन आद्रा जंक्शन की ओर जा चुकी है। और जिस लाइन पे हम बढ़ने वाले डांकुने होते हुए हावड़ा वाली लाइन, और जिस लाइन से हम आ रहे हैं वो वाली लाइन। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है ये वेस्ट बंगाल का, और स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्चुअली IRCTC कैटरिंग से वेस्ट थाली मंगाई थी, देखते हैं वो आती है या नहीं, कब आती है, आई डोंट नो। एक मिनट भाई, निकल चुके अभी हम खड़गपुर जंक्शन से। मैंने IRCTC से खाना मंगवाया था जो कि आया नहीं है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी मत मंगाओ खाना। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस पैरेलल रन हो रहा है यहाँ पे हमारा सियालदह राजधानी एक्सप्रेस के साथ। हाय साहब, पैरेलल देखो, बिल्कुल सियालदह के बिल्कुल आगे हावड़ा राजधानी ओवरटेक करके गई थी हमें। साहब राजधानी एक्सप्रेस के साथ पैरेलल रन पहली बार देख रहा हूं मैं। आप देखो इवनिंग स्नैक्स सर्व कर रहे हैं। पूरा क्लियरेंस दिया है सियालदह राजधानी को, देखो आगे किंग ऑफ दिस रूट सियालदह राजधानी एंड हावड़ा राजधानी। फाइनली हमें ओवरटेक कर दिया सियालदह राजधानी ने। वाह यार क्या ओवरटेक था भाई, गाड़ी अपनी फिर से एक बार लूप हो चुकी है, एक और गाड़ी हमें ओवरटेक कर रही है, तीसरी गाड़ी जो हमें ओवरटेक करने वाली है, पता नहीं कौन सी गाड़ी बहुत जोर से ओवरटेक होने वाला है। साहब क्या ओवरटेक हुआ है, और सामने जिस इंटरसिटी ने हमें ओवरटेक किया था ना वो भी इधर ही खड़ी है, वो देखो देरी खड़ी है, इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं अब लगता है सर। इसी ट्रेन ने हमें ओवरटेक किया था, इसको हम ओवरटेक कर रहे हैं। रिवेंज टेकन बोल रहे हैं अभी। पता नहीं कुछ तो हुआ है, और लोग भी कितने ज्यादा ये हो गए देखो नीचे, पुलिस वगैरह सब है, वो देखो कुछ तो कोई तो कटा है। ओवरटेक फिर से कर दिया भाई साहब, रिवेंज ले लिया।
अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं हम वर्धमान जंक्शन में, और बता दूं कोलकाता में एंट्री वैसे भी हमारी पहले ही हो चुकी है। आपने देखा सियालदा राजधानी, हावड़ा राजधानी और वो कोई तो इंटरसिटी एक्सप्रेस, दोनों ने तीनों ने ओवरटेक मार दिया, और आगे कोई तो रन ओवर हुआ, कोई तो आदमी का रन ओवर हुआ, उसके बाद हमने इंटरसिटी को ओवरटेक मारा, फिर से वो हमें ओवरटेक मारेगी। बाकी बता दूं वर्धमान जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक सीधी लाइन जा चुकी है हावड़ा के लिए, एक लाइन यहाँ से जा चुकी है आसनसोल के लिए, जिस लाइन पर दोनों राजधानी जाने वाली है, और एक लाइन जिस लाइन पर हम बढ़ने वाले हैं वो जाने वाली है सीधा न्यू फरक्का टाउन के लिए। और डिनर ले लिया भाई, फिर से पेंट्री से कुछ ऑप्शन ही नहीं है, और डोमिनोज से मंगाया वो अगर आएगा तो देखते हैं, अगर नहीं आया तो फिर पेंट्री का खाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि सुबह भी लंच नहीं किया, जो मैंने मंगाया था खाना वो तो मेरा आया भी नहीं वहाँ पर खड़गपुर में, और क्या करें भाई, अभी तक भूखा पेट हूँ, थोड़ा बहुत बस सोन पापड़ी वगैरह खाया है। देखते हैं आपको ओवरटेक हो तो ओवरटेक दिखाता हूँ मैं, उसके बाद वर्धमान के बाद सीधा मिलते हैं न्यू फरक्का टाउन में। इसका हॉल्ट नहीं है यहाँ पे वर्धमान में, मेरे हिसाब से तो नहीं है। इसी लाइन पे एक और ट्रेन है आगे, उसका रेड चमक। हावड़ा WP5 रिकग्निशन बाय LP। फिर से ओवरटेक कर दिया हमने, ये तो मेरे फ्रेंड ने भी रेकमेंड किया भाई। इसको क्या बोलते, मिष्टी मिठाई, रसगुल्ला मिष्टी, रामपुरा हाट। कैसे भाई, ये है सबसे बेस्ट चीज, आप बंगाल में जब होते हो तो यहाँ पर ये जो मिष्टी और ये रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन बहुत फेमस और बहुत अच्छा होता है। देखते हैं इसको टेस्ट करके, टेस्ट करते हैं रसगुल्ला को। क्या बनाया है यार, 10 rupees का पर पीस है, वर्थ इट एकदम भाई। खाने से अच्छा अगर मुझे ये कोई देता ना, थाली में भर के ये खा रहा था मैं, वो सही होता। गुलाब जामुन देखते एक बार, गजब है यार, टेस्ट तो बहुत मज़ा आएगा आगे। अब ये गुलाब जामुन ने पूरा टेस्टी माउथ का पूरा टेस्ट स्वीटन कर दिया, और बहुत सुपर टेस्ट है इसका। लेट हुआ फिर भी आ गए भैया, गरम पिज्जा ले आए एकदम गर्मा गर्म। उसका पिज्जा मैंने मंगाया था, गाड़ी लगभग 3 घंटा लेट है, और भैया आ गए। कितना टाइम होगा भैया अभी? हमारा तो आधा घंटा हो गया भाई, 12 बजने वाले यार। थैंक यू सो मच यार, इनको कभी मिलते हो ना आप, कोई भी अगर मिलता है इतना रात को, अगर उनको आप खाना देते हैं तो उनको एक बार थैंक यू बोलना मत भूलिएगा यार, इतना रात को आए हो, अभी अब जाओगे ना रिटर्न। अच्छा चलो, थैंक यू भैया। चुके अभी हम मालदा टाउन स्टेशन पे, और मालदा टाउन में Part 2 जो अपना विवेक एक्सप्रेस का है, भारत के सबसे लॉन्गेस्ट दूरी तय करने वाली ट्रेन, Part 1 नहीं पेंड होता क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हूँ, क्योंकि भाई इतने दिन हो गए, मतलब सिर्फ विवेक नहीं, विवेक से पहले अमृतसर कोच्चिवेली, उससे पहले सचखंड एक्सप्रेस, बैक टू बैक चला ट्रैवल, बहुत मैं थक गया हूँ, और थोड़ी देर में सोता हूँ, सुबह आपको कैच करता हूँ। सुबह नेक्स्ट पार्ट ना बहुत बढ़िया होना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भाई नॉर्थ ईस्ट में हम ट्रैवल करेंगे, पूरी तरीके से बारिश में फ्लडेड नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करेंगे, मज़ा आ जाएगा। Part 2 कैसा लगा कमेंट करके बताना। Part 2 अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आपको कैसे लगा एक बार बताना ज़रूर। बाकी कंपनी गाड़ी जो थी ना, मोर देन 4 आवर्स लेट चल रही थी। रात को हम न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचे थे, बहुत देर रात को, सुबह देर रात को 3 बजे के आसपास हम पहुँचे थे, इसलिए बोल रहा हूँ Part 2 मैंने जल्दी एंड कर दिया, क्योंकि Part 3 में सुंदर सुंदर आपको नज़ारा दिखाने हैं नॉर्थ ईस्ट के। चलो फिर वीडियो को यही एंड करता हूँ, वीडियो अच्छा लगेगा ना तो वीडियो को लाइक भी करके जाना, और एक कमेंट छोड़ के जाना कि आपको और किस टाइप की वीडियोज़ देखना चाहोगे आप।